जो लोग 11 बार बोले हैं लोग बैठे हैं। इस स्वर्णकाव्य की श्रेष्ठता यह रही है कि यह मत्स्यावतार में मत्स्य की शक्ति जो विष्णु मत्स्यावतार में मत्स्य का अवतार लेकर आए थे, पहले सुबह अपने मैंने कूर्म का अवतार के बारे में बताया और वह कूर्म किस प्रकार मंदिर के सामने कूर्म के अवतार में आपके सामने रहता है ये भी मैंने बताया। रामचंद्र जी को उस कूर्म ने यह बात बताई थी कि प्रभु आप राम सीता लक्ष्मण बनकर तो मंदिर में पूजे जाएंगे, शेष नाम लक्ष्मण है सीता है, फिर मैं भी तो आपके साथ था उसकी याद रखने के लिए क्या करना है। तो रामचंद्र ने कहा जो पहले कूर्म को मंदिर के सामने रखेगा मैं कूर्म को देखने के बाद ही उस भवन भक्तों को देख सकेगा। इस प्रकार मंदिर में कूर्म की स्थापना हुई। इसके बाद मैं आज अभी साधना आपको दे रहा हूँ, ये स्वर्ण कात्याय की साधना ये मत्स्यावतार में शिव जी के साथ विष्णु जी के साथ आएगी और विरूपाक्ष स्वामी की शक्ति, विरूपाक्ष का अर्थ होता है रुद्राक्ष, रुद्र से जो रुद्रनेत से जब कोई क्रोधित हुए या रुद्राक्ष किसी के गले में टूट गया या रुद्राक्ष का भंग हो गया हो जाना ये शिव जी के अवकृपा का पात्र बनता है। और विरूपाक्ष होता है वीर का उपाक्ष, रुद्राक्ष का कोप जिसमें ऊपर हुआ, जिसने विरूपाक्ष का दर्शन किया, विरूपाक्ष का मंत्र किया, जब शिव से शिवजी की कृपा हुई तो रावण लंकेश बना, स्वर्ण की लंका बनी, कुबेर धनाध्यक्ष बने, ऐसे बहुत स्वर्णपात्र को प्राप्त करने वाले बहुत सारे सिद्ध ऋषिगण इस संसार में विश्वामित्र हो वशिष्ठ हो ये सारे लोग अपने जो झोपड़ी रहती थी ऋषि परंपरा की झोपड़ी रहती थी उसमें उन्होंने स्वर्ण की कुटिया बनाकर उसमें स्वर्ण के थाली में खा सकते थे। ये सब भगवान शिव की कृपा थे, जो निराकार है भोले हैं और निष्प्रपंच है उनको किसी के ऊपर कोई लेना देना नहीं, यदि वो कब कभी क्रोधित होता है हो जाते हैं और रुद्राक्ष को धारण करते हैं उनके प्रतीक रूप रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं तो हमारे पास से रुद्राक्ष कभी टूट जाए, रुद्राक्ष महाराज हमारे पास से चली जाए या हम ऐसा कुछ होते हैं तो रुद्र अपने रुद्र के नेत्र से किसी को भी रुद्र के नेत्र से देखते हैं तो वो तो भस्म हो जाएगा ही। लेकिन एक अवतार उन्होंने इनकी शांति के लिए जब विद्यारण्य स्वामी ने प्रार्थना की थी कि ऐसे संसार में बहुत लोग हो गए प्रभु और 2000 साल से जो शिव जी की भक्ति करते करते रुद्राक्ष टूट भी गए होंगे और हमारा देश हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार आज दूसरों के आक्रमण के कारण नष्ट होता जा रहा है तो आप शांत हो जाने के लिए मैं आपको विरूपाक्ष के रूप में आपकी आराधना करता हूँ और आपकी शक्ति स्वर्ण कात्याय की आराधना करता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने हम्पी विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष भगवान की स्थापना विद्यारण्य स्वामी जी ने की और उनकी आराधना की थी। तो उनकी आराधना में विरूपाक्ष की साधना करते हुए यह मत्स्य आज हमारे उदय महाराज हो शेषु महाराज हो ये क्या करते हैं किसी घर में वास्तु दोष है तो मत्स्य यंत्र प्रदान कर देते हैं और कहते हैं कि आप ये मत्स्य यंत्र को आपके घर में रखो सारे दोष चले जाएंगे। लेकिन सच्ची बात यह है एक बार की बात है ऐसे ही शेषु महाराज के ऐसा ही भक्त था उन्होंने आकर कह दिया मुझे प्रभु बहुत बड़ी पूजा करते हुए हमने हमारे घर में मत्स्य यंत्र स्थापित किया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा भाई जरूर उन्होंने साधना की है तो तुम्हारे घर में फर्क पड़ना चाहिए क्यों नहीं पड़ा। तुझे क्या कहो प्रभु आप आकर देख सकते हैं मैं आके देखा लेकिन जैसा ही घर में गया मेरे को कोई बदबू आ रही थी। मैंने पूछा अरे तुम्हारे घर में क्या है तुम क्या मच्छे को खाते हो क्या तो उसने कहा रोज काट के खाते हैं प्रभु। अब फिर मच्छे का कैसे काम करेगा यार जिस घर में मच्छे को भी काट के खाना खाया जाता है उसमें मच्छे में काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता पहले या तो उसको बंद करो नहीं तो यंत्र को निकाल दो। इस प्रकार ये स्वर्ण कात्याय यंत्र करने वाले को भी एक चेतावनी जरूर देता हूँ आप जब तक स्वर्ण कात्याय आपके घर में धन का आगमन होना चाहते हैं तो मत्स्य को नहीं खाना चाहिए इस बात का ध्यान रखो और खाने वाले न ले जाएं पहले ही बता देता हूँ जो खाने वाले न ले क्योंकि यह विरूपाक्ष धर्म में कहा जाता है कि जब स्वर्ण कात्याय कहा था तो श्री कृष्ण देवराय के राज्य में बाजार में जैसे हम आज तरकारी भाजी बेचते हैं वैसे रत्न और सारे मूंगा वाली रत्नों को बेचा करते थे स्वर्ण को भी बेचते थे ऐसे टोकरियों में लेकर बेचते इतने इतना स्वर्ण था जिसके पास विजयनगर साम्राज्य में जिन स्वर्ण कहते हैं कि साधना संपन्न की थी। जामवंत के पास भी आप जानते हैं उनके पास भी समंतर मणि आ गई थी वो कितने महान रामचंद्र के काल से वहां तक थे और उनकी गुफा भी स्वर्णमय थी जिसमें जामवंती को सुनाया था वो स्वर्ण का झूला था।
तो ये सभी के पीछे स्मरण कात्यायनी यंत्र की स्थापना आपको अभी जो ओम ऋग नमः जप दिया हूं इसका विधान कल आप 20 माला सुबह के गुरु मंत्र को करने के बाद इस साधना को कैसा करना है मैं स्वयं आकर आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इस बात को जानकर रख ले कि हम इस साधना को करने वाले कब अब बाहर तो नहीं बोल सकता बाहर खा सकते हैं घर में मच्छी खाए तो ये यंत्र काम नहीं करता और उल्टा आपको परेशानी हो सकती है। जो मच्छर खाने वाले हैं वो लोग इस स्वर्ण यंत्र को इस स्वर्ण कात्यायनी यंत्र को फिर पूर्ण विश्वास के साथ रखें। अगर आपको नहीं होता है नहीं गुरु जी आप हमारे को यंत्र से भी बार मच्छी ही प्यारी है तो यंत्र को पानी में विसर्जित करो फिर मच्छियां खाते रहो धन चाहिए न चाहिए वो बात आपकी है। हम इसके बारे में आपको ये कहना चाहते हैं कि इस यंत्र की ये श्रेष्ठता है इस स्वर्ण कात्यायनी यंत्र को जिस घर में स्थापित किया जाता है उस घर में मच्छर को मारना या मच्छर को खाना वर्जित है तभी ये यंत्र पूर्ण रूप से काम करता है। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि ये साधना संपन्न हो। फिर भी अभी नए लोग जो आए हैं उनके लिए फिर एक बार गुरु दीक्षा प्रदान करता हूं आप सब लोग गुरु दीक्षा ले लें। जो लोग नए सुबह आए या अभी बाद में आए हैं वो लोगों को सभी को कह रहा हूं वो लोग गुरु दीक्षा ले लें। कुंदन नाथ बच्चा रिंगना रूप में हूँ।